मैं आ चुका हूँ आज देहरादून जू में, जो कि उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। काफ़ी फेमस है क्योंकि छोटा सा है, लेकिन इस छोटे जू के अंदर आपको मिलेंगे तरह तरह के जानवर, तरह तरह के पेड़ पक्षी, तरह तरह के माहौल। और आज मैं आपको अपने साथ घुमाऊँगा इस पूरे देहरादून जू को, बताऊँगा आपको कि आप कैसे पहुँच सकते हैं, क्या क्या यहाँ के आपके टूर एंड प्लान्स होंगे, किस तरह से आप बस पकड़ेंगे, पैदल आएंगे या दौड़ के आएंगे, कैसा रास्ता है, कैसा मौसम है और क्या यहाँ के खर्चे पानी है, तो सबको बताऊँगा आपको। वीडियो पूरी देखिए यार, और वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वक्त मैं ISBT बस अड्डे पर हूँ देहरादून के, और यहाँ से जो है देहरादून जू लगभग 16 किलोमीटर है, लगभग आधे घंटे का रास्ता है, आधे घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। हिमांशु को मैंने यहाँ पे बुला दिया है क्योंकि यहाँ से मैं बस पकड़ के नहीं जाऊँगा बल्कि स्कूटी से जाऊँगा। हिमांशु भी आ गया है, इससे पूछता हूँ कि इसका कहीं मैंने दिन ख़राब तो नहीं कर दिया। अरे यार, तो मैं फिर बुला लिया, तेरा रोज यही काम है। अरे आज मैं तेरे को ना तेरे दोस्तों के साथ तेरे असली घर में लेके जाने वाला हूँ। कहाँ? अब देहरादून जू की बात कर रहा हूँ, देहरादून जू लेके जाऊंगा मैं, तो आज तो घूमने लिए तैयार है, तो आज मैं लेके जा रहा हूँ इसको देहरादून जू, इसको इसके दोस्तों से मिला देता हूँ कि किस टाइप का ये इंसान है। तो चलिए आप भी देखिए कैसा है हमारा सफ़र, क्योंकि मौसम भी अच्छा है और हम तो भाई अच्छे। तो अब हम यहाँ से जो है बाय स्कूटी जा रहे हैं, लेकिन अगर आप जब ISBT बस अड्डे पर होंगे तो आप यहाँ से सिटी बस भी ले सकते हैं, जो कि घंटा घर होते हुए आपको राजपुर रोड ले जाएगी। राजपुर रोड में ही आगे जो है देहरादून जू आता है, या फिर आप अपनी कैब या फिर अपनी व्हीकल ले सकते हैं, या ऑटो भी चलते हैं तो आप ऑटो भी ले सकते हैं, जिसका किराया लगभग 20 से 25 रुपये आपको पड़ जाएगा। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं घंटाघर। घंटाघर आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो रहा, और ये जो रास्ता देख रहे हैं आप जो सीधा जा रहा है, ये है सबसे फेमस रोड देहरादून की, इसको राजपुर रोड कहते हैं, और इसी रोड में लगभग 6 किलोमीटर पे आपको जो है देहरादून जू मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली ठंड को चीरते हुए आ चुके हैं हम लोग देहरादून जू में, और हिमांशु मेरे साथ है। हिमांशु यार, देहरादून जू में तो पहुंच गए हैं, ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अंदर से भी एक बार देख लेते हैं कि देहरादून जू कैसा है। फिलहाल ये गेट है और यहीं से होगी हमारी एंट्री, तो चलिए अंदर से दिखाते हैं आपको कैसा है देहरादून जू। अंदर हम लोग पहुंच चुके हैं देहरादून जू के, और ये है यहाँ का टिकट काउंटर, जहाँ पे फिलहाल मेरा लेफ्ट हैंड हिमांशु टिकट का जुगाड़ कर रहा है हमारे, ताकि हम अंदर एंट्री पा सकें। देखते हैं कितने रुपए का टिकट फिलहाल सस्ते होगा, कितने का टिकट? 60 रुपये पर बंदा, 30 रुपये पर बंदा सीट टिकट, अंदर की सीट बुक, अंदर के जाने की एंट्री आपकी। टिकट ले लिया है हिमांशु ने, टिकट दिखाओ यार, ये हमारा लकी टिकट बाबा, इतना भी दिखाना। तो चलो अंदर चल के देखते हैं कैसा है, अंदर से किस चीज़ के लिए ली, 30 रुपये। तो ये है जू की रेट लिस्ट, जिसमें एंट्री है आपकी, और एक्वेरियम, 3D मूवीज़, कॉम्बो ऑफर और डिस्काउंट भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं इन डिस्काउंट्स को। एंट्री हो चुकी है हमारी, अब हम अपने रास्ते पर हैं, देखते कि कैसा है। तो राहुल पहले कौन सा जानवर देखें? यार सीधा जानवर नहीं देखूंगा मैं, क्योंकि मेरे साथ इस वक्त बंदर घूम रहा है, तो मैं जानवर नहीं देखना चाहूँगा अभी। फिलहाल हम पक्षियों की तरफ से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पक्षी हैं, बहुत सारे बर्ड्स वगैरह यहाँ पर है अलग अलग प्रजातियों के। सबसे पहले हमने सोचा
पता किया, चिड़ियों की तरफ चलते हैं, पक्षियों की तरफ चलते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो चिड़िया हैं, खासकर पैरट हैं, आई थिंक ये पैरट हैं। और अलग अलग जो उनकी प्रजाति होती हैं, अलग अलग कलर्स के भी हैं और अलग अलग प्रजाति भी हैं। तो आप भी देखिए ढंग से कि कैसे कैसे हैं ये, बात नहीं करनी है। यार ठंड बहुत है, इसलिए मैंने दोबारा से जैकेट पहन लिया। और पक्षियों के बाद अब हम देखने जा रहे हैं एमू को। और आप बोलेंगे यार एमू क्या है? यार ऑस्ट्रिच होता है ना, ऑस्ट्रिच उसी का छोटा भाई है, लंबी होती है। और ये रहा हमारे पीछे, इसमें नहीं दिख रहा शायद, पीछे की तरफ है, दिखाते हैं आपको। अरे बोरा झाड़ियों के पीछे, नकली ऑस्ट्रिच देखने के बाद अब नंबर आता है घड़ियाल का, यानी मगरमच्छ का। मगरमच्छ भी आपको दिखा लेते हैं कि मगरमच्छ की कौन सी प्रजाति है यहाँ पे। तो फिलहाल तो यहाँ पे गैबिलियस गैंटेटिकोस, पता नहीं क्या नाम है इनका, लेकिन हम घड़ियाल ही बोलते हैं इनको। और आपको दिखा देते हैं घड़ियाल होते कैसे। फिलहाल तो पिंजरा बहुत बड़ा है इनका, और नीचे पानी की तरफ है। उसको दिखाई नहीं दे रहे भाई, मुझे भी दिखाई दे रहे, लेकिन देखते हैं कि मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं आपके घड़ियाल। यार अभी तो पानी से बाहर ही नहीं निकल रहा है, बहुत दूर है, पूरा जूम करके भी हल्का सा दिख रहा है। थोड़ा बाहर आ जाता मैं आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवा देता इसे, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी वो सो रखा है। बारिश भी हल्की की होनी शुरू हो चुकी है, हो रहा। अरे भाई साहब क्या वार्निंग है भाई, ऐसी वार्निंग मैंने पहली बार देखी अपनी लाइफ में भाई। घड़ियाल देखने के बाद ना माहौल ना अभी यहाँ का हो चुका है डरावना, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे जानवर हैं। और ये जो मेरे पीछे देख सकते हैं ना आप, ये है आपका स्नेक रूम, स्नेक हाउस। अलग अलग प्रजातियों के यहाँ पर सांप मिलेंगे, जिसमें आपको कोबरा भी है, पाइथन भी है। हिमांशु पकड़ लियो आज, ये अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पर शुरू हुआ है, इससे पहले ये नहीं हुआ करता था। मतलब ये थोड़ा यूनिक है, आप लोगों ने जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारे साथ देख सकते हैं। तो चले देखते हैं यार सांप को, वैसे मन तो नहीं है मेरा सांप देखने में, वैसे डर लगता है। देखते हैं सांप और सांप की अलग अलग प्रजातियाँ की कौन कौन सी है यहाँ पर। सांप तो बहुत डरावने हैं यार, यार सांप ने जिस तरह से मूवमेंट करा ना, मुझे लग रहा है कि इनसे थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए भाई। ज़्यादा करीब आना तो भैया मौत के मुंह में जाना है। ये आराम से तेरी हाइट वालों को तो आराम से खा जाता होगा यार, और तेरे वालों को तो पता नहीं, जरूरत ही नहीं है क्योंकि हड्डी तो आई नहीं तेरे पे। तो आप यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं कांच के अंदर इनको सजा के रखा हुआ है। एक्चुअली ये अजगर है, और इसका जो साइज है ना भाई बहुत ही बड़ा साइज है। और खास बात यहाँ की ये भी है कि यहाँ पे आपको अलग अलग प्रजातियों के सांप दिखेंगे, जिनकी इन्होंने फिलहाल यहाँ पे एक फोटो भी लगा रखी है, जिसमें आपका टाइगर स्नेक है और ब्लैक मामा है, वाइपर है, इंडियन कोबरा है, फिलीपींस कोबरा है। तो इसकी अलग अलग प्रजाति भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एक और बहुत ही खास बात है कि यहाँ पर इंडिया के जो चार सबसे बड़े सांप है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस ना करें, जो सांपों से बहुत प्यार करते हैं वो यहाँ कौन करता होगा, करते भी होंगे तो आ जाओ यार आप ही का। देहरादून जू के अंदर अभी तो हम फिलहाल घूम रहे हैं, और सांपों के बाद अब हम आ चुके हैं मछलियों की दुनिया में। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है आपका एक्वाटिक वर्ल्ड, यहाँ पे ये अंदर बहुत सारे एक्वेरियम रखे हुए हैं, जिसमें अलग अलग तरह की मछलियाँ हैं, बहुत सारी मछलियाँ हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, कुछ बहुत बड़ी हैं। तो अगर आप यहाँ आएंगे तो आप इसके अंदर भी देख सकते हैं, टिकट है यहाँ का एडल्ट के लिए 50 रुपये और बच्चों के लिए 20 रुपये। और ये है देहरादून जू के अंदर कैक्टस गार्डन, जिसकी एंट्री कॉस्ट है 10 रुपये पर हेड। और यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ आपको मिलेगा अलग अलग नस्ल के कैक्टस प्लांट, जिसको आप देख सकते हैं अगर आप प्लांट के शौकीन हैं तो।
तो अब हम यहाँ से जाएंगे बारहसिंगा और हिरन को देखने के लिए। आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि सुना है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो हिरनों की सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, तो देखते हैं कि हिरन मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। वो देख रहा हूँ बारहसिंगा। तो घूमते घूमते इस वक्त मैं आ चुका हूँ देहरादून जू के अंदर ही जो पार्क है, ये है वो पार्क जहाँ पे आप कुछ देर तक तो इत्मीनान से बैठ सकते हैं, अपनी फ़ोटो सेल्फी ले सकते हैं। और खासियत यहाँ की ये भी है, अच्छी खासियत कि अलग अलग जो प्लास्टिक के उन्होंने जानबूझकर पौधे लगाए हुए हैं, क्योंकि 24x7 और 24x365 यानी साल भर जो है खिले खिले रहते हैं क्योंकि प्लास्टिक के, तो उनके साथ आप फ़ोटोज भी ले सकते हैं जैसे बाकी लोग ले रहे हैं। तो आप इस जगह को भी, यहाँ पे भी काफ़ी समय तक आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं अपना टाइम और यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं। बाकी यहाँ भी घूमते रहो और यहाँ भी ज़रूर आ जाना भाई, इस पार्क में अच्छा है। ऐसी जगह है जो सिर्फ बड़ों के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी है और बच्चों की काफ़ी पसंदीदा जगह है, उनमें से एक ये मेरे पीछे फन पार्क स्पेशली बच्चों के लिए है। यहाँ पे बहुत सारे झूले हैं जहाँ पे बच्चे इन्जॉय करते हैं अपना दिन, क्योंकि यार उनको पेड़ पक्षियों से क्या लेना देना, वो अपना झूले में खुश हैं। तो यहाँ के लिए फन पार्क भी यहाँ पे बनाया गया है जहाँ पे बच्चे आराम से इन्जॉय करते हैं और बाकी आप लोग कहीं भी कर सकते हैं। तो ये था हमारे साथ देहरादून जू का सफ़र, जो कि शुरू हुआ था अच्छे मौसम के साथ, लेकिन अब घर जाते आते बारिश शुरू हो चुकी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने भी इतना एंजॉय किया होगा जितना हमने किया है। हिमांशु बताओ कुछ यार, बारिश में अब भीगते हुए घर जाएंगे, लेकिन यार सफ़र आज का बहुत मज़ेदार था और इन्जॉय बहुत किया, ऐसे ऐसे एनिमल्स देखे जो हमने आज से पहले नहीं देखे थे। लेकिन अगले वीडियो के लिए हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हैं, तो अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है कि आप अगला डेस्टिनेशन किसको देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें लिख के बताएं। और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपने चेहरा नया बार देखा है, पहली बार देखा है, और अगर आप हमारे पुराने ग्राहक हैं, पुराने से जान पहचान है, तो भाई इस चैनल के लिंक को, इस वीडियो के लिंक को आप ज़रूर शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिल सके। और मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ।